चलो इस वीडियो में सीखते हैं कि टोन कीपर में कुंट डक्ट डेडेस किस टाइप से ऐड किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंट डक्ट डेडेस क्या है। वो कुंट डक्ट डेडेस का मतलब बेसिकली यही होता है, लाइक समझ लेते हैं कि जो टोकन्स होते हैं, लाइक ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ठीक है, मतलब कुछ टोकन आपके पास रिसीव हुए लेकिन वो आपको शो नहीं हो रहे, तो उस केस में क्या करते हो आप कुंट डक्ट डेडेस फिल कर देते हो तो आपको टोकन शो होने लग जाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से टोकन पॉकेट पे अगर आपको जानना है कि कुंट डक्ट डेडेस कैसे ऐड करें, आपके पास कुछ टोकन्स आए हैं लेकिन आपको शो नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कुंट डक्ट डेडेस डालोगे तो शो होने लग जाएंगे, वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर देना यार। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तुमको एक काम करना होगा, इसका फेस की कॉपी कर लेना होगा। फेस की कहाँ से मिलेगा, सबसे ऊपर सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। एक मिनट रुकिए, हाँ इस वाले बटन पे, एक मिनट मैं कर देता हूँ। करने के बाद तुमको इधर बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर प्रेस करना है। और नीचे जो टोकन्स का ऑप्शन है, लोग समझते हैं अगर टोकन्स पे क्लिक करेंगे तो हम कुंट डक्ट डेडेस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, इस एप्लीकेशन में आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन जैसा बता रहा हूँ वैसा फॉलो कीजिए। बैकअप पे क्लिक करना है, शो रिकवरी फेस पे क्लिक करोगे तो तुमको एक 24 वर्ड्स की मिलेगी, ठीक है, उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद उसको तुमको जहाँ मैं बताऊँगा वहाँ पर पेस्ट करना है, ध्यान से वीडियो को देखते रहना। तुमको इधर ब्राउज़र पे आ जाना है, इधर तुमको लिख देना है टोन कीपर एक्सटेंशन, ठीक है, इस टाइप से। सो जैसे कि देख सकते हैं क्रोम की वेबसाइट है इधर, तो इसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक कर देना। एक और बात याद रखना, ये नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र पे नहीं खुलेगा, इसके लिए तुमको एक मतलब अलग से ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो तुम कीवी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो या और भी अनदर ब्राउज़र होते, ठीक है। तो मतलब जैसे देख सकते मेरी डाउनलोड हो चुकी है, ऊपर आ रहा है रिमूव फ्रॉम गूगल, इसका मतलब डाउनलोड हो चुकी है। अभी क्या करना तुमको, या तो 3 लाइन्स का ऑप्शन आएगा या इस टाइप से ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो जैसे इस टाइप पे क्लिक करता हूँ, इधर तुमको वो एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये देख सकते हैं इस टाइप से डायमंड सा बना हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये एक्सटेंशन है, इसके ऊपर प्रेस करना है। अभी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, एक मिनट सॉरी कहीं और क्लिक हो गया, बैक आ जाता हूँ। सो इधर तुमको हाँ दोबारा से मैंने खोल दिया, ध्यान से देखना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, इधर आपको एक्साइटिंग वॉलेट इस पर प्रेस करना है, ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग लेने लग जाएगा, जो भी तुमने कॉपी किया था वो इधर लिखना, ठीक है। लिखने का सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ, जो जैसे तुम कॉपी करोगे ना, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना, फर्स्ट बॉक्स को पेस्ट पे क्लिक करना, सारे वर्ड्स इधर ऑटोमेटिकली लिखे आ जाएंगे, फिर नीचे जो ऑप्शन आएगा कंटिन्यू वाला, इस पर प्रेस करना, ठीक है, मैं पेस्ट करता हूँ फिर दिखाता हूँ। कंटिन्यू करोगे बहुत सारे वाले शो हो जाएंगे, या तो आपके पास टोन है आपके वॉलेट में तो तुमको पता लग जाएगा कौन सा वॉलेट इधर सेलेक्ट करना है, ठीक है, नहीं तो फिर तुमको जो भी तुम्हारा एड्रेस है वॉलेट का, मतलब जो शो होता है वो इस एड्रेस से मैच कर लेना, कौन सा वाला एड्रेस है, फिर उस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। वैसे तो ये W5 वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ होता है, ठीक है, मतलब जैसा भी मेरे साथ हुआ मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, मैंने कहीं भी नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा है कि कहीं और गलत जगह पर सिलेक्ट है तो तुमको क्या करना है, तुमको अपना एड्रेस टोन कीपर वॉलेट के अंदर जाना, उसका एड्रेस एक बार कॉपी करके कहीं पेस्ट करना, फिर लास्ट के डिजिट चेक करना, ठीक है, मतलब लास्ट के 4 डिजिट तुमको इसके साथ मैच करने हैं, जिसके साथ मैच हो रहे उस पर टिक का निशान लगा के कंटिन्यू कर देना, ठीक है। सो चलिए कंटिन्यू कर देता हूँ। ऐसा कुछ इंटरव्यू इधर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, कुछ भी पासवर्ड अपना क्रिएट कर देना, लाइक मैं अभी कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। पासवर्ड के बाद इस टाइप से इंटरफेस आएगा, इधर अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, अभी ध्यान से वीडियो को देखते रहना, ठीक है। सो देख सकते हो इधर मेरा सब कुछ आ चुका है, ठीक है, जो भी तुम्हारे नए टोकन है ना वो इधर ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे, ठीक है, इसके नीचे ही, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर से क्लिक, जैसे हैमस्टर का टोकन था, ठीक है, मैंने जैसे अपना वॉलेट ऐड किया तुरंत मेरे को इधर से होने लगे, फिर मैंने उस पर क्लिक करके सेंड वाले बटन में क्लिक करके अपने किसी अंदर एक्सचेंज के अंदर भेज दिया, ठीक है। और फीस मेरी लगी थी 0 पॉइंट, मतलब कि मेरे पास एक, मतलब कि इतना समझ लो तुम डॉलर में 0.5 डॉलर समथिंग लगी थी, ठीक है, तो उतनी ही तुम अपने अकाउंट में रख लेना, ठीक है, ताकि, और अपने अकाउंट में थोड़ी ज़्यादा ही फीस रखना, टोटल 1 टोन रखना, वो इस टाइप से रखना है, क्योंकि अगर तुम कम रख रहे हो तो आएगा कि तुम्हारा वो होगा ही नहीं, एरर देखने के लिए मिलेगा, तुमको बोलेगा कि तुम्हारे पास फंड है ही नहीं है, ऐसे टाइप से बोलेगा, ठीक है, तो इधर ऑटोमेटिकली शो होने लग जाते हैं, ठीक है। एक और बात याद रखना, जिस जिनके भी इधर टोकन ना शो हो, लाइक हैमस्टर हो गया, जो भी अनदर टोकन हो गया इधर ना शो हो, उसका बेसिकली मतलब यही है, जो भी तुम्हारे टोकन अभी तक तुम्हारे वॉलेट पे नहीं पहुंचे हैं, रिसीव नहीं हुए हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हिस्ट्री वाले बटन पे आप क्लिक करते रहते हो, आपको लगता है हिस्ट्री से शो हो जाएगी, कई बार ऐसा होता है आपको टोकन मिल जाते हैं तब भी हिस्ट्री में नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये बात यहाँ रखना। सो बस इतना था यार वीडियो में, और लास्ट बात यही कहना चाहूँगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया उसको ऐड करने का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का, ठीक है,
इसके पीछे का रीज़न आई थिंक यही हो सकता है क्योंकि ये भी सिर्फ टोन को ही सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर टोन को ही सपोर्ट कर रहा है तो इसमें अनदर नेटवर्क की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना। मतलब जैसे हैमस्टर कोइन मिला था वो भी टोन नेटवर्क था, डॉग्स मिला वो भी टोन नेटवर्क था, इसी टाइप से कैटी मिला वो भी टोन नेटवर्क था, ठीक है। बस ये था वीडियो में, बस इतना था वीडियो में यार। लाइक शेयर करना, चैनल को नए हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू।